सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज उन 750 किसानों के परिवारों को पूछने वाला नहीं है। हम बार बार अनुरोध करते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी आर्थिक सहायता की जाए। एक पैसा कोई देने को तैयार नहीं, एक मदद करने को तैयार नहीं, कोई रोजगार देने को तैयार नहीं। तो किसान तो परेशान है। हम इनके वकील हैं, उनकी वकालत करेंगे। निश्चित रूप से जो इन्होंने दिया है इसे प्रधानमंत्री जी तक भेजेंगे, भी हाउस में उठाने का काम। आज किसानों की जो परेशानी है, मजदूरों की जो परेशानी है, उन्हें लेकर हम जो अपने क्षेत्रीय सांसद हैं श्री हरिंदर मलिक जी हैं, इन्हें हमने ज्ञापन दिया। जो हमारी तत्कालीन मांगे हैं और कुछ हमारी नीतिगत मांगे हैं, उन्हें लेकर हमने जो है सांसद जी को ज्ञापन दिया, ताकि हमारी बात को जो है संसद में उठावें। आपको उम्मीद है आप ज्ञापन दे रहे हो, आपकी आवाज़ जो है संसद में उठाई जाएगी? हाँ बिल्कुल उठाई जाएगी। जो विपक्ष के सांसद है वे सभी हमारी मांगे उठाऊँ और संसद पटल में रखा है। मांग क्यों नहीं मानी जाएगी? लगे तो हमें बहुत कुछ, पर जिस देश का कृषि मंत्री हत्यारा हो किसानों का, उससे उम्मीद तो नहीं कर सकते। इन्होंने जो कृषि मंत्री बनाया जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि उसने किसानों का दमन किया था। और हम सबसे पहले कि कृषि मंत्री का विरोध करें, ठीक है? और हम चाहें कि हमारे सांसद जी जो हैं वहाँ ये भी मांग उठावें कि ऐसा कृषि मंत्री नहीं भारत को चाहिए। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा और उसके केंद्रीय घटक किसान एकता केंद्र जैसे संगठन आज लगातार एक अपनी आवाज़ को बुलंद करने लग रहे और साथ में मजदूरों को भी ले लग रहे। किसान एकता केंद्र ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने साथ में मजदूरों को भी लिया कि मजदूर चक्का जाम कर सकता है। तो अब किसानों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। यार भर गए बिल्कुल। नमस्कार जी सांसद जी, थोड़ा सा जो आज किसानों जी आपको ज्ञापन दिया, आप किस तरीके से इनकी आवाज़ को उठाया जाएगा? किसान तो मजबूर व्यक्ति है, मजबूर समूह है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। 750 किसानों की शहादत उस देश में हो जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा कभी बुलता था, उस देश में हो जिस देश ने सर छोटू राम दिया हो, चौधरी चरण सिंह दिया हो, महेंद्र सिंह टिकैत दिया हो, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। आज उन 750 किसानों के परिवारों को पूछने वाला नहीं है। हम बार बार अनुरोध करते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी आर्थिक सहायता की जाए। एक पैसा कोई देने को तैयार नहीं, एक मदद करने को तैयार नहीं, कोई रोजगार देने को तैयार नहीं। आप गलती मानते हैं और गलती के कारण 750 किसान मरे, उनका क्या होगा? तो किसान तो परेशान है। हम इनके वकील हैं, उनकी वकालत करेंगे। निश्चित रूप से जो इन्होंने दिया है इसे प्रधानमंत्री जी तक भेजेंगे, भी हाउस में उठाने का काम करें। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला मुजफ्फरनगर में है। जिला मुजफ्फरनगर में हम जो है मुजफ्फरनगर के जो सांसद जी है हरिंदर मलिक जी, उनके आवास पर है। पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की थी कि भाई किसानों की जो समस्याएं है उनका एक ज्ञापन जो है आप लोकसभा का जो सांसद है उसको देना चाहिए। तो आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के कुछ किसान जो है आज जो है हरिंदर मलिक जी को जो है ज्ञापन देने आए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि भाई क्या क्या ज्ञापन दिया है, क्या क्या उनकी मुख्य मांग है किसानों की। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। जी आपका नाम? मेरा नाम मनोज प्रधान। प्रधान जी आज जो है आप यहाँ पे आए हैं तो किन चीज़ों को लेकर आप जो है आज आवास पर आए हैं सांसद जी? आज किसानों की जो परेशानी है, मजदूरों की जो परेशानी है, उन्हें लेकर हम जो अपने क्षेत्रीय सांसद हैं श्री हरिंदर मलिक जी हैं, इन्हें हमने ज्ञापन दिया। जो हमारी तत्कालीन मांगे हैं और कुछ हमारी नीतिगत मांगे हैं, उन्हें लेकर हमने जो है सांसद जी को ज्ञापन दिया, ताकि हमारी बात को जो है संसद में उठावें और राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मंत्रिमंडल पर दबाव बनाने का काम करें। क्या क्या मुख्य मांगे जो है किसान की आज जो है मतलब लेके आए हो, क्या क्या उसमें मांगे लिखे हैं, मेन जो मांगे हैं? मेन मांगे जैसे बिजली का है, बिजली पे लगातार जो है बिजली का निजीकरण कर दिया गया। जो अमेंडमेंट 2020 था वो पूरी तरह लागू कर दिया इन्होंने, और गांव देहात में लगातार किसानों मजदूरों पर दबाव बनाए जा रहे और 12 रुपये मीटर लगाने का प्रयास कराया जा रहा। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि आप जो है ऐसा ना करें और प्रीपेड मीटर ना लगाएं जा, और जो अति भार का दबाव बनाया जा रहा उसे वापस लिया जा। और
क्या क्या घोषणा जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने की थी, थोड़ा सा बताइए क्या क्या घोषणा जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या बोला था और आगे क्या रणनीति है? अभी इनकी 10 तारीख में संयुक्त किसान मोर्चे की नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी, तो उसमें बहुत सारी जो मांगे हैं वे तय हुई थी। तो इसमें मुख्य जो मांग है वो MSP की है, किसी C2+50 स्वामीनाथन वाली जो रिपोर्ट है वो तत्कालीन जो है लागू करी जाए, और मजदूरों को लेकर भी मांग है कि मजदूरों को जो है 26,000 वेतन दिया जाए, और बिजली का है, बिजली का जो है यो निजीकरण बंद करे जाए, और यो दबाव जो है लगातार जो है बाहर का दिया जा रहा इसे भी बंद करे जाए। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुबोध सिंह है। सुबोध जी, किसान जो है लगातार जो है धरने दे रहा है अपने मांगों को, हक मांगने के लिए जो है लगातार जो है धरने दे रहा है, क्यों किसान को जो है इतना परेशान किया जा रहा है, क्यों उनकी मांग नहीं मानी जा रही? भाई किसान की मांग सरकार कोई नहीं मांग रही, ये इस किसान की जो है सब प्लानिंग जो है जमीन छीनने की है, और जो है ना किसान को जो है सही दर्जा दे रहे हो, 750 किसान मरे, ना जो है C+ संविधान आयोग की रिपोर्ट लागू करे जो इन्होंने हाँ भरी थी धरना उठाने से पहले। दिल्ली से जब धरना उठा तो इन्होंने कहा था सब मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन पिछले 2-3 साल 2.5 साल हो गए तो इन्होंने कोई मांगे पूरी नहीं की सरकार ने। तो इसलिए जो है हर सांसद को जो है ज्ञापन दिया जा रहा है जिससे संसद में हमारी मांग उठाई जाए, नहीं तो जो है SKM जो है दोबारा से आंदोलन अपना शुरू करेगा। आपको उम्मीद है आप ज्ञापन दे रहे हो, आपकी आवाज़ जो है संसद में उठाई जाएगी? हाँ बिल्कुल उठाई जाएगी, जो विपक्ष के सांसद है वे सभी हमारी मांगे उठाऊँ और संसद के पटवे रखेंगे। MP साहब ने हाँ भी भरी है, और नहीं तो जो है SKM की जो मीटिंग हुई उसमें आंदोलन दोबारा आंदोलन की आह्वान कर दिया गया, तो आंदोलन दोबारा से शुरू होगा नहीं अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से? जय किसान आंदोलन से हूँ, जिला सचिव हूँ जय किसान आंदोलन से। जय किसान आंदोलन? हाँ जी। हाँ जी, आप भी यहाँ ज्ञापन देने आए थे? ज्ञापन देने आए हैं। क्या ज्ञापन था, क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि सरकार जो हो ना किसानों को अनदेखी की जा रही है, उनकी जो कहीं देखो जो जमीन हड़प ले मुआवजा सर ढंग से मिलता, और किसानों को जो फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है ना, सब किसानों पर दबाव रहा है, कहीं ट्रांसफर भुग जा तो किसानों को जो यही सुनता नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, किसानों को परेशान कर जा, टाइम पर उनकी फसल में पानी नहीं आते, सूख जा, और उस ट्रांसफार्मर धरने के लिए चक्कर कटवाओ जा, पैसे की मांग रखो जा, दबाव से डायरेक्ट नहीं कहते, लेकिन वो किसान की फसल बर्बाद हो ले, इसलिए जो ज्ञापन देना है कि जो हमारे जो सांसद जी हैं माननीय अंदर मलिक जी, तो ये किसानों की आवाज़ जो है संसद भवन में उठाऊँ, इसलिए उनके पास आए। आपका नाम? आगे विक्रम सिंह। अच्छा विक्रम जी, ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है क्या पूरे भारत में ज्ञापन दिया जा रहा है या UP में या इसी जिले में ज्ञापन दिया गया है? ये दे तो सारे कोई जा रहे जी, मानते ना कोई है नहीं, सांसद मिनिस्टर को ये देखो 50,000 यूनिट फ्री मिले, 5-6 के तो हकदार हम भी होंगे, इन खत्म शर्मा खी लगते नहीं, वोल्टेज ही न तो पूरी मिले इनके, ऐसी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मोटर पानी नहीं ठहरे और मेरे पर और दबाव बना रहे कि भाई जो है 10-15 कर देंगे 20 कर देंगे। किसान को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है जबकि किसान को जो है अन्नदाता का नाम दिया गया है, पूरे देश का जो है पेट पालते हैं? यह कुर्सी पर बैठे ना, हमें कुर्सी पर बैठा दो, खुरपी दानते हाथ में दे देंगे इनके, पता लग जाएगा ये कुर्सी पर है ना, हम कुर्सी पर नहीं है, हम तो वोट देवा है ना, ग्राहक दुकानदार तो यही है ना, अपना माल किसी भाव बेच लो, मेरी थोड़ा ही चलेगी, ये डंडी तराजू में डंडी मार के खा लो, उसमें कंकर मिला के बेच दो दाल में, तो हमें तो लेनी पड़ेगी, मजबूरी है नहीं। उद्योगपति को जो 1.5 लाख करोड़ के माल जो लोन माफ़ कर दिए, किसानों का 50,000 का भी हो उसे भी जब्त कर लेंगे, उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे, भूमि तो पहले ही गिरवी धर ली उन्होंने, ठीक, ये तो किसानों को जो 4% शोषण किया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी इस तरफ जो प्रधानमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे कि क्या हो रहा, ना कृषि मंत्री दे रहे, इसलिए जो जो हमारे सांसद जी है विपक्ष में जो संसद भवन में जाकर आवाज़ उठाओ, किसानों की बात रखो। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सरगम कुमार है, गाँव सालाखेड़ी, किसान एकता केंद्र से ही हैं हम भी, और आज हरिंदर मलिक जी वो जो किसानों की जो मांगे है SKM की जो खोल थी 16-17-18 जो नवनिर्वाचित सांसद है उन्हें जो है किसान अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। अच्छा आप एक युवा है, युवा जो है देख रहे हैं कि खेती से दूर भाग रहा है, क्या कारण है युवा जो है खेती से दूर भाग रहा है? आज जो है लगातार एग्रीकल्चर की जितनी भी पॉलिसी है सब आज कॉरपोरेट वर्ग की है, सरकार जो है लगातार खेती को दबा लग रही, खेती में जो रोजगार थे वे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके, और नौकरी की हालत यह है कि 45 सालों में
सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 2024 के लोकसभा चुनाव में रही। अग्निवीर जैसी योजना, 4 साल की नौकरी कर दी, कहाँ जाकर नौजवान क्या करेगा? नौजवान हर डिपार्टमेंट में आज जो है रोजगार वो ख़त्म है, बिल्कुल निजीकरण जैसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू कर दी, तो इस नौजवान का क्या होगा? वो खेती की हालत आप देख ही रहे कि लगातार जो है किसान आत्महत्या करने लग रहे हैं, लगातार जो है खेती वो कंगाली की तरफ जा लग रही है। तो किसान और नौजवान आज दोनों की हालत इस देश में बहुत खतरनाक है। वही है, आपने बात की कि भाई खेती ख़त्म होती जा रही है, रोजगार नहीं है, लेकिन जब भी ये अपने हक के लिए जो है धरने देते हैं, कुछ करते हैं, तो इन पर नौजवान हो या जो है किसान हो, उन पर FIR और जो है उन पर केस कर दिए जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? अभी जो है जब अग्निवीर योजना लागू हुई तो हमारा जो क्षेत्र है वो लल्लूखेड़ी का क्षेत्र है, लल्लूखेड़ी का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हर साल अग्निवीर में लड़के जाते रहते थे। अब जो है अब अभी मासिक का अग्निवीर जैसी योजना लागू हुई तो उसके बाद में कुछ लड़कों ने प्रोटेस्ट करने की सोची तो पुलिस ने उन लड़कों को उनके घर पर उनके माँ बाप के सामने उन्हें बेइज्जत करा और उस प्रोटेस्ट को रुकवाने का काम किया। लगातार जो है सरकार जो है फांसीवादी ताकतों के साथ किसानों का, नौजवानों का दमन कर लगा दबाया जा रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। अच्छा, आप भी आए हो, आपको लगता है कि भाई इस तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा है क्योंकि पहले बहुत सारे धरने हो चुके हैं, क्या बात मांग मानी जाएगी? मांग क्यों नहीं मानी जाएगी? लगे तो हमें बहुत कुछ, पर जिस देश का कृषि मंत्री हत्यारा हो किसानों का, उससे उम्मीद तो नहीं कर सकते। इन्होंने जो कृषि मंत्री बनाया जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि उसने किसानों का दमन किया था, आपके याद होगा, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, मध्य प्रदेश में किसानों का हत्यारा है, और हम सबसे पहले कि कृषि मंत्री का विरोध करें, ठीक है, और हम चाहें कि हमारे सांसद जी जो हैं वहाँ ये भी मांग उठावें कि ऐसा कृषि मंत्री नहीं भारत को चाहिए, ठीक है, किसी अच्छे को बनाओ। वैसे जब इन्होंने, हमारी मुख्य मांग है 2021 में जो इन्होंने वादे करे थे, विशेष रूप से संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, उन्हें लागू करा जा। इन्होंने वादे करे थे, माफ़ी कहीं के लिए मांगी थी, अरे माफ़ी मांगी थी कि भाई उन्हें लागू करेंगे, लागू उन्हें कर नहीं रहे। तो जो हमारी मांग है, मुख्य मांग वे सारी माननी जा, हाँ, और नहीं मानेंगे तो हम जो है दोबारा सड़कों पर आवेंगे, जिस तरह का भी हमारे पे आंदोलन होगा करेंगे, ज़रूरी नहीं हर बार एक ही तरह का आंदोलन हो, किसी दूसरी तरह का आंदोलन इस बार ज़रूर होगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम? अंबुज मलिक जी। अच्छा अंबुज मलिक जी, कि लगातार किसान जो है सड़कों पर है, क्यों ये चीज़ें हो रही है? किसान जो है कि अपना हक मांगने के लिए, जैसे गन्ने का भुगतान हुआ, जो है खेती महंगी होती जा रही है, तो ये चीज़ क्यों, ये चीज़ें किसानों को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? किसानों को कमज़ोर किया जा लग रहा है और कॉरपोरेट को बढ़ाया जा लग रहा है। अभी आपने देखी भारत में एक सबसे ज़्यादा किसानों को चिढ़ाने वाली शादी हुई, 5,000 करोड़ रुपये उसमें खर्च किए गए, ठीक है, विदेशी लोगों को नाचाने वालों को लाया गया, 84-86 करोड़ रुपये में लाया गया, जिस देश के किसान की आमदनी 27 रुपये निकल के आ रही, ठीक है, उस देश में किसानों के अधिकार छीन के तभी तो इनका घर अमीर हो रहे, तभी तो इस तरह की ये शादियाँ करा लग रही है, गरीबों को और किसानों को चिढ़ा लग रहे। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा और उसके केंद्रीय घटक किसान एकता केंद्र जैसे संगठन आज लगातार एक अपनी आवाज़ को बुलंद करा लग रहे और साथ में मजदूरों को भी ले लग रहे। किसान एकता केंद्र ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने साथ में मजदूरों को भी लिया कि मजदूर चक्का जाम कर सकता है, तो अब किसानों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है और अब इन्हें किसानों की मांग को मानना ही पड़ेगा। क्या दोबारा से फिर आंदोलन होगा बड़ा? बिल्कुल, अभी आप जैसे ये हमने जो ज्ञापन दिया सांसद जी को, तो ये जब हमारी बात संसद में उठाएंगे, लेकिन जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन SKM की है कि हम संसद के पैरेलल एक दूसरी संसद लगाएंगे और उसमें किसान अपना बजट पेश करेंगे और खेती को जो है WTO की नीतियों से बाहर करना हमारा मुख्य मांग है। हम अभी मुजफ्फरनगर में थे, मुजफ्फरनगर में जो है किसानों ने जो है यहाँ के सांसद जो है हरिंदर मलिक जी को किसानों की समस्याओं को लेकर जो है ज्ञापन दिया, तो इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सांसद जी हमारी जो है आवाज़ जो है संसद में उठाएंगे। जुड़े रहे CC से, UP से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता।